बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हम उर्दू नज़म करेंगे सोहनी धरती। सोहनी का मतलब होता है खूबसूरत, और धरती जो है वो मुल्क को कहते हैं, वतन को कहते हैं। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, यानी अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं कि हमारे प्यारे वतन को हमेशा आबाद रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे हम हर जर्रे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तेरे नाम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, मुल्क हमारा जो है पाकिस्तान हमारी पहचान है, इसी से ही हमारी शान है। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद तुझे, यानी जब तक ये दुनिया बाकी है हम पाकिस्तान को एक आजाद मुल्क की हैसियत से देखना चाहते हैं। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे, यानी मेरे दिल की हर धड़कन जो है उस वो तेरे प्यार के साथ है। बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है मीतरे, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। प्यारे बच्चों, हमने ये नज़म पढ़ी, क्या आप अपनी धरती के बारे में जानते हैं? हमने जब पाकिस्तान लिया तो हमारा नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ये दुनिया का दूसरा मुल्क है जो नज़रिए की बुनियाद पे लिया गया। पहला जो मुल्क बसा वो मदीना, उसका मतलब भी पाक लोगों के रहने की जगह थी। और पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह, और ये नज़रिए पे मुल्क कायम हुआ। कायद अजम ने फरमाया, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा, पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तायुन करने वाला मैं कौन होता हूँ? मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। बानी कायद जो है उन्होंने किसी किस्म की लगी लपटी बगैर वजाहत कर दी कि हमें, जब तक हम कुरान मजीद से रहनुमाई लेंगे हम तरक्की करेंगे। हमारा नारा इतिहाद, ईमान और नज्म होना चाहिए, यानी हमारे में इतिहाद होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, हमारा ईमान अल्लाह पे मजबूत होना चाहिए और हमें मुनज़्ज़िम होना चाहिए। मैं मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा कि वो एक मुनज़्ज़िम, बाअज़मत, बावकार और तरबियत याफ्ता कौम की तरह अपनी तमाम कुव्वतों को एक मरकज पर मुश्तमे करें, यानी जमा करें, ताकि मुसलमानों की जिंदा जावेद कौम को अपने दरखशंदा माजी और तारीखी रवायात के मुताबिक अजमत और सरबुलंदी हासिल हो सके। प्यारे बच्चों, हमारी तारीख भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुसलमानों ने ईमान जो है और नज़म और इतिहाद से बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। हमें कोई वजह नहीं है कि हम दूसरी जो कौमें हैं उनसे अपने आप को कमतर समझें। नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, आप उनकी शायरी पढ़ें तो आपको पता चलेगा
कि मुसलमान क्या है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है, इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। तो प्यारे बच्चों, दिलो जान से अपना इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो दें। कुछ अहम बातें पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान जो है उसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क है। ईदी एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बड़ा फलाही इदारा है, दुनिया में बड़ा फलाही इदारा है जो अब्दुल सत्तार ईदी ने कायम किया। इसी तरह अखुवत बग़ैर सूद के कर्जे देने वाली तंजीम है जिसके बानी डॉक्टर अमजद साकिब हैं। तो ये भी पाकिस्तान में हर काम के लिए, पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए बग़ैर सूद के कर्जा देते हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं। ये भी इजाज़ पाकिस्तान को हासिल है। फिर इंडस हॉस्पिटल कराची में है जो डॉक्टर अब्दुल बारी ने बनाया। यहाँ पे मरीजों का बग़ैर किसी पैसे के इलाज किया जाता है और यहाँ पे कोई पर्ची इस्तेमाल नहीं होती, सारा कंप्यूटराइज्ड है। जो मरीज़ इसके अंदर दाखिल हो जाता है उसके सारे अखराजात हस्पताल बर्दाश्त करता है। इसके अलावा पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं, सर्दियाँ, गर्मी, बहार और ख़ज़ां। पाकिस्तान में क्योंकि मौसम 4 हैं तो फल और जो सब्जियां हैं उनकी भी बहुतात है, और पाकिस्तान के फलों का जायका इतना खूबसूरत और इतने जायकादार हैं जो दुनिया में कहीं और ऐसा जायका नहीं पाया जाता। फिर दुनिया की बड़ी मसाजिद में से एक फैसल मस्जिद है जो इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हकूमत में वाक़ है। फिर झील सैफुल मलूक एक बहुत खूबसूरत झील है, ये पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी पाकिस्तान में पाया जाता है। छांगा मांगा पार्क जो है वो एक मसनूई जंगल है जो लाहौर के करीब वाक़ है, ये भी पाकिस्तान में है, मसनूई जंगलात में सबसे बड़ा जंगल। फिर खेड़ा नमक की कदीम तरीन कान जो है वो भी पाकिस्तान में पाई जाती है, ये कबल मसीह से यहाँ से नमक निकाला जाता है। फिर दुनिया की बड़ी सहरा थार जहाँ जानदार पाए जाते हैं वो भी पाकिस्तान में है। शाहराए कराकरम दुनिया का 8वां अजूबा है, ये भी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाई है शुमाली इलाका जात में, ये चीन और पाकिस्तान को बजरिया सड़क मिलाती है। फिर गहरी समुंदरी बंदरगाह कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की हैं कराची और गवादर में। फुटबॉल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, सियालकोट में फुटबॉल हाथ से सिए जाते हैं। फिर पाकिस्तान में कोह हिमालया दूसरा बड़ा ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है। पाकिस्तान मुस्लिम एटमी ताकत है जो दुनिया की वाहिद 7वीं बड़ी एटमी फौज है। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान में सोने की काने वाकया हैं। थर में कोयले के बहुत बड़े ज़खायर हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो हैं और टेक्सला ये कदीम तहजीबों के खंडरात यहाँ पे पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमें ज़रूरत है हम अच्छा पाकिस्तानी शहरी बने, अच्छा इंसान बने और अच्छा मुसलमान बने। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें। आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं, कुरान मजीद को आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने तर्जुमे के साथ पढ़ना है। हम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो तभी पूरा कर सकते हैं जब हम खुद अच्छे मुसलमान बने, हम सच का रास्ता इख्तियार करें, झूठ से नफरत करें और अपने लिए भी खुद भी तरक्की करें और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।